हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू दिस पोलिनोम लेक्चर सीरीज दिस इज यारू आर वॉचिंग आई व्यू लाइफ बच्चो टूडे वी आर गोइंग टू डिस्कस केस स्टडी पार्ट टू ऑफ पोलिनोम राइट ठीक है सो सो आर यू रेडी लेट्स बिगिन परफेक्ट हियर वी हैव एज हम क्या करने वाले हैं बच्चों जो भी केस स्टडी में पैराग्राफ दे रखा है लेट्स इसे हम एक बार रीड करते हैं ठीक है चलिए रिव्यू करते हैं देखते हैं क्या क्या हमें इन्फॉर्मेशन यहां से मिल पाता है और बच्चों जो जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलेगा उसे हम एज इट इज नोट करते जाएंगे राइट चलिए सो so, देखते हैं हैव गिवन हियर जस्ट बिफोर द मॉर्निंग असेंबली अ टीचर ऑफ किंडर गार्डन स्कूल ऑब्जर्व सम क्लाउड्स इन द स्काई ऑल राइट ठीक है तो कुछ क्लाउड वाउड की बातचीत चल रही है जो टीचर है जैसे असेंबली से बाहर निकला तो उन्होंने देखा कि स्काई में क्या है बच्चों सर्टेन क्लाउड्स हैं और सी कैंसल्ड द असेंबली ऑल राइट ठीक है सी ऑल्सो ऑब्जर्व दैट द क्लाउड हैज द क्लाउड्स हैज अ शेप ऑफ द पोलिनोमियल वाव सी ऐसा काम टीचर ही कर सकता है ना कि क्लाउड में भी पोलिनोमियल देख रहा है कभी बच्चों आप लोगों ने देखा है ऐसा कुछ कि क्लाउड ऊपर ऊपर जा रहा है उड़ते उड़ते और क्या पोलिनोमियल इक्वेशन दिख रहा है वहां पे कभी हुआ आपके साथ ये टीचर के साथ ही हो सकता है ये देखिए सो द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ क्लाउड इज शोन इन द फिगर ये जो है आप देख लीजिए ये जो आपका फिगर है देखिए ये तो पहले ऐसे क्लाउड्स बना हुआ है देख रहे हैं आप ये जो कर्व है राइट दिस इज द दिस इज द कर्व दैट दैट यू नो द टीचर इज इज रेफरिंग और बच्चों इसके रेफरेंस से हमने क्या किया है यहाँ पे उस टीचर ने ये एक ग्राफ बना दिया है इसे प्लॉट कर दिया है ग्राफ पे और बच्चों यही से हमें इंफॉर्मेशन मिलने वाली है राइट right? चलिए देखते हैं जरा सा सो so, इससे पहले कि हम आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करें बच्चों कुछ चीज़ें मैं आपको बताना ज़रूर चाहूँगा यहाँ पे जो हमने इससे पहले केस स्टडी वन का लेक्चर किया था उसमें आपको मैंने कुछ बेसिक्स भी बताया था बच्चों राइट टाइप्स ऑफ पुलिमेल के बारे में आपको मैंने बताया था ये भी हमने देखा था कि लेट से आपके पास आपके पास बच्चों लेट से ये ग्राफ है ठीक है इसे हम इरेज कर लेंगे और ये रहा आपका x x डैश और बच्चों ये रहा आपका y y डैस ठीक है तो लेट से कि आपके पास जो कर्व मिला वो एक स्ट्रेट लाइन मिल गया स्ट्रेट लाइन मिल गया तो बच्चों ये क्या है दिस इज गोइंग टू बी दिस इज गोइंग टू बी स्ट्रेट लाइन एंड दिस इज रेफरिंग वॉट इट इज़ रेफरिंग दैट द आपका जो पोलिनोमियल है दैट पोलिनोमियल इज़ लीनियर पोलिनोमियल ठीक है तो बच्चों यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जो एफ एफ एक्स है this is going to be there in the form of ax एक्स प्लस बी वेयर ए इज़ नॉट इक्वल टू जब भी आपको स्ट्रेट लाइन मिले तो बच्चों ये किस पोलिनोमियल को रेफर करता है ये रेफर करता है आपके लीनियर पोलिनोमियल का और ये लीनियर पोलिनोमियल कैसे है देख लीजिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस बी बच्चों एक्स का हाइएस्ट पावर कितना है वन है और एक्स का हाइस्ट पावर वन है तो बच्चों इसकी डिग्री कितनी है इसकी डिग्री वन है और जिस पोलिनोमियल का डिग्री वन होता है बच्चों वो लीनियर पोलिनोमियल होता है ये सारी चीज़ें हमने पीछे के लेक्चर्स में डिस्कस किया हुआ है राइट right. अब इसी तरीके से आप देख लीजिए कि ये जो आपका लाइन है एक्स एक्सिस को कितने प्लेसेस पे कट कर रहा है तो आप बोलेंगे जी सिर्फ और सिर्फ एक प्लेस पे कट कर रहा है तो लीनियर पोलिनोमियल के जो जीरोज होते हैं कितने जीरोज़ मिलेंगे सिंगल एक ही जीरो मिलेगा इसका बच्चों तो इसी तरीके से लेट से कि हमारे पास एक ये ग्राफ है करेक्ट और कुछ इस तरीके से इसका आपको दे रखा है इन्होंने सर्टेन लाइक दिस सी दिस इज द कर्व दैट वी है तो बच्चों ये जो कर्व है आप मुझे बताइए कि एक साक्सिस को कितने प्लेसेस पे कट कर रहा है तो आप बोलेंगे यहाँ पे कट कर रहा है यहाँ पे कट कर रहा है राइट ये जो कर्व है आपका एक साक्सिस को टू प्लेसेस पे कट कर रहा है तो बच्चों ये नंबर ऑफ जीरो होंगे इसके टू राइट यानी ये है क्या यह है बच्चों एक आपका कोर्डनेटिक पुली नोमियल यानी इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा जाए तो इट विल भी समथिंग लाइक दैट ए तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वेयर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो ठीक है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वेर ए इज़ नॉट इक्वल टू जीरो एक्स का हाइस्ट पावर कितना है बच्चों टू है एक्स का हाइस्ट पावर टू है तो इसकी डिग्री कितनी होगी टू होगी तो नंबर ऑफ़ जीरोस कितने हो सकते हैं मैक्सिमम टू हो सकते हैं तो आप देख लीजिए कि एक्स एक्सिस को आपका कर्व टू प्लेसेस पे कट कर रहा है तो नंबर ऑफ़ जीरोस कितने होंगे टू होंगे राइट इसी तरीके से बच्चों हमने आपसे ये भी बात किया था कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी वेर ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो क्या था आपका क्यूबिक पोलिनोमियल था और बच्चों एक और हमने डिस्कस किया था आपसे कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स पावर फोर बी एक्स क्यू सी एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस ई वेयर ए इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो तो बच्चों यहाँ पे देखिए एक्स का हाईएस्ट पावर क्या है फोर तो इसकी डिग्री कितनी है फोर और कौन सा पोलिनोमियल है ये ये बच्चों आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है राइट right? तो बाई क्वाड्रेटिक ऑलरेटिकोमिल के मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने हो सकते हैं जीरो और जब भी आप इसे ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो ये एक्स एक्सिस को आपका ग्राफ कितने प्लेसेस पे कट करेगा फोर पॉइंट्स पे कट करेगा क्लियर है और जहां जहां बच्चों ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है ना वहां वहां जैसे मान लीजिए कि ये कट किया है आपका ग्राफ माइनस वन पे और यहाँ पे कट किया है बच्चों से थ्री पे तो इसके जो कितने जीरोज हैं दो जीरोज हैं बच्चों टू जीरोज हैं ये रहा आपका एक माइनस वन और एक रहा बच्चों थ्री यानी आप लिख सकते हैं कि जो अल्फ़ा है वो माइनस वन है बच्चों और जो बीटा है दैट इज थ्री और आप इसे रिवर्स करके भी लिख सकते हैं कि अल्फ़ा को थ्री लिख दीजिए और बीटा को माइनस वन लिख दीजिए कर सकते हैं आप तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि इस ग्राफ को देख के कैसे इन्फॉर्मेशन निकाला जाए यदि ये ग्राफ इन दो प्लेसेस पे कट कर रहा है तो उस पोलिनोमियल का बच्चों दो जीरो होगा और जहाँ जहाँ कट कर रहा है तो एक की वैल्यू चेक कर लीजिए यदि ये माइनस वन पे कट कर रहा है और यहाँ थ्री पे कट कर रहा है तो इस इस पोलिनोमियल का इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का टू बी प्रिसाइज बच्चों कितने जीरोज हैं दो जीरोज है कौन कौन से माइनस वन एंड थ्री ये सारा का सारा इंफॉर्मेशन बच्चों आइए हम यहाँ पे लगाते हैं और इसके अलावा एक ठीक है इतने से हमारा काम हो जाएगा एक दो इन्फॉर्मेशन और मैं आपको दे देता हूं फिर हम क्वेश्चन स्ट्रेट में स्टार्ट कर लेंगे सॉल्व करना देखिए क्वेश्चन सॉल्व करना हमारा मेन मोटिव नहीं है टू बी ऑनेस्ट हमारा मेन मोटिव क्वेश्चन सॉल्व करना सिर्फ नहीं है हमारे बच्चों मेन मोटिव आपको कंसेप्चुअली क्वेश्चन को सॉल्व कराना कि आप जो भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं आप आपको उसका जो बिहाइंड का जो कंसेप्ट है आपको उससे अवेयर कराना है एक बारी जो कंसेप्ट आपके दिमाग में चला गया ना बच्चों लेट दे मास्क कितने भी क्वेश्चंस पूछने दीजिए उनको पूछ लेने दीजिए जितने क्वेश्चंस राइट बट यदि आप कंसेप्चुअली साउंड हो जाते हैं ना तो फिर क्वेश्चन अपने आप बनने लगता है आइए मैं इसी से रिगार्डिंग एक दो चीजें और बता देता हूँ लेट से कि आपके पास बच्चों एक क्वॉल्ट पोलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वे ए इज नॉट इक्वल टू जीरो ठीक है तो यहाँ पे मुझे बताइए कि जो एक्स स्क्वायर को कोफिशियंट है वो कितना है ए है x का कोफिशियंट क्या है b है और बच्चों ये c एक कांस्टेंट टर्म है तो इसका हाईएस्ट पावर कितना है x का आप बोलेंगे जी 2 है तो इसकी डिग्री कितनी होगी 2 तो ये किस तरीके का पॉलीनोमियल है तो बच्चों आप बोलेंगे ये क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है और क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे बच्चों दो होंगे एक अल्फा दूसरा बीटा और ये बताया गया है हमने डिटेल लेक्चर जब किए हैं तो वहां पर ये चीजें हमने समझाई है कि बच्चों सम ऑफ द जीरोज अल्फा प्लस बीटा क्या होता है बताइए बताइए माइनस बी बाई ए और बच्चों प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज क्या होता है अल्फा इंटू बीटा दैट इज सी बाई ए ये सारी की सारी चीज़ें बताई गई है और एक चीज़ और हमने बताया था कि बच्चों मान लीजिए कि आपको सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज कीवेन है और आपसे पूछा जा रहा है कि आप इसके पोलिनोमियल को ही लिख दीजिए यानी पोलिनोमियल को आप डेवलप कर दीजिए तो बच्चों वहां पे हमने क्या सीखा था कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द यानी अल्फ़ा प्लस बीटा इसके साथ x मल्टीप्लाई कर दीजिए एंड प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज अल्फा टू बीटा और बच्चों ये कब अप्लाई करेंगे जब हमारा जो जीरोज है वो फ्रैक्शन के फॉर्म में ना हो और बच्चों यदि फ्रैक्शन के फॉर्म में हो तो इसी इक्वेशन को मॉडिफाई कर देंगे एंड वी कैन राइट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा टाइम्स ऑफ एक्स इंटू अल्फा इंटू बीटा और ये के क्या होगा बच्चों ये के जो भी आपके डिनोमिनेटर में वैल्यू आएगा उसी के इक्वल होगा ये चीज़ें हमने काफी डि, डि, डिटेल्ड में डिस्कस की है जब आप इसके लेक्चर सीरीज देखेंगे यदि आपको इन सब के बारे में और जानना है बच्चों तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करें राइट और पूरी प्लेलिस्ट ओपन करें और पूरी प्लेलिस्ट ओपन करके जो जो आपके चैप्टर्स के लेक्चर्स हैं केस स्टडी के नहीं चैप्टर्स के जो लेक्चर्स हैं ना उनको आप देखें वहां पर इसे और डिटेल में बताया गया है ठीक है आइए तो बच्चों इतना जो है जो कंसेप्ट हमने डिस्कस किया है इसके हेल्प से आइए इन सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हैं चलिए रेडी बच्चो परफेक्ट आइए समझते हैं सो क्वेश्चन नंबर वन लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर क्या बोल रखा है इन्होंने दे रखा है फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोम रिप्रेजेंटेड बाई द ग्राफ बहुत आसान है ग्राफ को चेक करिए बच्चों क्या दे रखा है इन्होंने अंडरस्टैंड करिए ग्राफ को देखिए ये एक्स एक्सिस को आपका ग्राफ कितने प्लेसेस पे कट कर रहा है एक यहाँ और एक यहाँ ठीक है एक यहाँ पे कट कर रहा है बच्चों और एक यहाँ पे कट कर रहा है ये टू प्लेसेस पे टू प्लेसेस पे आपका ये ग्राफ ये जो कर्व है ये एक एक्सिस को कट कर रहा है तो बच्चों आप मुझे बताइए कि यहाँ पे ये यह वाला पॉइंट देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक टू दे रखा है तो बीच में क्या होगा बच्चों वन होगा बीच में वन होगा और ये क्या है पॉइंट फाइव होगा यानी ये जो कोऑर्डिनेट्स दे रखा है ना इसी के कोऑर्डिनेट्स दे रखा है पॉइंट फाइव कौन जीरो यानी ये जो कर्व है हमारा ये जो आप कर्व देख पा रहे हैं ये वाला कर्व ये वाला कर बच्चों एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है यदि ये, ये पता चल जाए ना आपको कहानी खत्म देख लीजिए तो बच्चों इसका जो कोऑर्डिनेट है दैट इज जीरो पॉइंट फाइव कॉमा जीरो यानी हमें एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट चाहिए यानी हमें एक जीरो तो यहीं पे मिल गया बच्चों लिख सकते हैं आप अल्फाइज इक्वल टू पॉइंट फाइव और देखिए ये और दूसरे प्लेसेस पे कहाँ कट कर रहा है एक्स एक्सिस को तो बच्चों ये कट कर रहा है 0 पे। यहां पे हमारा एकस का क्या है तो बच्चों का कितना आपको? क्लियर ही ये पार्ट यानी बच्चों हमने क्या सीखा था एक यहाँ पे ग्राफ बनाया था ऐसे कुछ और कुछ इस तरीके से था हमने बोला था बच्चों कि देखिए ये जो ग्राफ है आपका ये जो कर्व है एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है तो यहाँ पे था बच्चों आपका माइनस वन और यहाँ पे कुछ हमने लिखा था थ्री तो ये X को जिन जिन पॉइंट्स पे कट करेगा बच्चों उन उन पॉइंट्स के वैल्यू चेक कर लीजिए आप good, well तो इन्हें हटाते हैं और बताइए मुझे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा आपका यानी ये जो पोलिनोम है ये जो आपका बना हुआ है यहां पे ये बेसिकली कहां से आया था ग्राफ इन क्लाउड से आया था इन क्लाउड के शेप्स को मैथमेटिकली फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है? ग्राफिकल कंसेप्ट को यूज करके राइट तो हमने देखा कि ये जो कर्व है हमारा एक सेक्सिस को बच्चों टू पॉइंट्स पे कट कर रहा है एक यहां और एक यहां तो एक सेक्सिस के क्या कोऑर्डिनेट्स हैं तो यहां बच्चों है और यहां पे क्या है बच्चों है तो हमारा जीरोस क्या जीरो माइनस थ्री पॉइंट फाइव विच ऑप्शन बच्चों बताइए ऑप्शन अच्छा देखते हैं को ना बच्चों बताइए भी लिखा जा सकता है इसे आपके ऑप्शंस में देखेंगे तो ये इन्होंने कुछ इस तरीके से दे रखा है को क्या मैं वन बाई टू लिख दूँ कोई दिक्कत नहीं और बच्चों को क्या मैं लिख होता है ये क्या है? तो यहाँ पे लगा दीजिए यानी कहने का मतलब ये है कि हमारा इस इस कर्व का तो इनके कोऑर्डिनेट्स क्या है बच्चों वन बाई टू एंड माइनस सेवन बाई टू अब चेक करिए जरा सा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपका वन बाई टू एंड माइनस सेवन बाई टू ऑप्शन वेरी गुड चलिए तो जो हम कंसेप्ट सीखते हैं उनके बेसिस पे ये क्वेश्चन सॉल्व करना ऐसे चुटकियों का खेल है आइए देखिए सेकेंड पार्ट देखिए बच्चों क्या दे रखा है इन्होंने वट विल बी द एक्सप्रेशन फॉर द पोलिनोम रिप्रेजेंटेड बाई द ग्राफ

बिल्कुल नॉर्मल नंबर हो फ्रैक्शंस के साथ ना हो ठीक है दूसरा क्या हमने देखा था बच्चों कि यदि मान लीजिए फ्रैक्शंस के फॉर्म में हो तो हमने बोला था यहाँ पे क्या कर दीजिए आप एक कांस्टेंट के लगा दीजिए और लिख दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा टाइम्स ऑफ एक्स इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा ये लगा दीजिए तो बच्चों ध्यान दीजिए आपका जो यहाँ पे जीरोज़ दे रखा है इन्होंने क्या दे रखा है अल्फा दे रखा है वन बाई टू क्या ये फ्रैक्शन के फॉर्म में है बिल्कुल है बीटा क्या दे रखा है बच्चों माइनस सेवन बाई टू क्या ये भी फ्रैक्शन के फॉर्म में है यस तो हमें कौन सा इक्वेशन यूज करना चाहिए सेकेंड यूज करना चाहिए तो देखिए अल्फा इज इक्वल टू तो कितना है बच्चों आपका वन बाई टू एंड बीटा कितना है माइनस सेवन बाई टू आप कर लीजिए पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोज यहाँ पे लिख दीजिए बच्चों वन बाई टू और ये प्लस बट ये है क्या माइनस सेवन बाई टू तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पे माइनस सेवन बाई टू टाइम्स प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट इन दोनों का प्रोडक्ट तो बच्चों इन दोनों का सॉल्व करिए तो e बच्चों क्या मिलेगा आपको वन बाई टू माइनस सेवन बाई टू एलसी लीजिए टू हो जाएगा वन माइनस सेवन एक्स और बच्चों ध्यान दीजिए ये माइनस है और ये प्लस है तो मल्टीप्लीकेशन में है ना तो साइन क्या हो जाएगा इसका भी निगेटिव हो जाएगा तो आई एम गोइंग टू राइट हियर सेवन बाई फोर देखिए नीचे से नीचे को मल्टीप्लाई तो टू टू जा फोर और सेवन में से वन मल्टीप्लाई किया बच्चों सेवन हो गया क्लियर है यहाँ तक इसे इसको क्लोज भी कर लीजिएगा सो हियर वी आर गोइंग टू है टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन माइनस सेवन कितना होता है बच्चों सिक्स सिक्स डिवाइडेड बाई टू कितना होता है थ्री बट ये यह, यहाँ पर देखिए वन माइनस सेवन क्या होगा माइनस सिक्स

आपको फ्रैक्शंस के फॉर्म में फ्रैक्शंस के फॉर्म में आपका ये जो जीरोस दे रखा हो तो हम के लगा देते हैं और ये के का वैल्यू वही होता है जो यहाँ पे डिनोमिनेटर में है सो so बच्चों हमारा जो रिक्वायर्ड पोलिनोमियल है ऐसे लिख लेते हैं जो रिक्वायर्ड पोलिनोमियल है हमारा रिक्वायर्ड पोलिनोमियल क्या मिल जाएगा आपका आपको मिल जाएगा बच्चों फोर एक्स स्क्वायर प्लस ट्वेल्व एक्स माइनस सेवन चेक कर लीजिए कौन सा ऑप्शन है देखिए 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 फोर एक्स स्क्वायर प्लस ट्वेल्व एक्स माइनस सेवन फोर एक्स स्क्वायर प्लस ट्वेल्व एक्स फोर एक्स स्क्वायर प्लस ट्वेल्व एक्स माइनस सेवन बच्चों कोई भी ऑप्शन में नहीं है अब क्या करें एक तरीका है देखिए ये पोलिनोमियल है एक काम करिए ये जो भी है ना इसको इक्वेट कर दीजिए जीरो से और बच्चों क्या करना होगा आपको यहाँ से माइनस कॉमन करिए यानी मान लेते हमारा ये पोलिनोमियल पी एफ एक्स है ठीक है ध्यान दीजिएगा मतलब यू हैव टू बी रियली रियली स्मार्ट कि ऑप्शंस देखिए हमारे अकॉर्डिंगली ऑप्शंस नहीं होगा ऑप्शंस हमें खुद बनाना पड़ता है हमें इनके अकॉर्डिंगली अपने आंसर्स को मॉडिफाई करना पड़ता है ये काम करिए यहां से माइनस कॉमन करिए तो बच्चों माइनस कॉमन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा माइनस फोर एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेल्व एक्स और बच्चों माइनस सेवन है तो ये बन जाएगा प्लस करेक्ट और जब आप इसे इक्वेट कर देंगे जीरो से राइट right, ये पी एफ एक्स है आपका इसे इक्वेट कर देंगे जीरो से तो ये माइनस को क्या कर दें हम भेज देंगे आर एच एस में और ये माइनस गायब हो जाएगा तो बचेगा क्या बच्चों हमारे पास बच जाएगा माइनस फोर एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेल्व एक्स प्लस सेवन ये हमारा पोलिनोम बन जाएगा और चेक करिए कि कौन सा ऑप्शन है माइनस फोर एक्स स्क्वायर चेक करिए माइनस फोर एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेल्व एक्स प्लस सेवन माइनस फोर एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेल्व प्लस सेवन ऑप्शन डी तो क्या किया हमने देखिये दोबारा से देख लीजिए पहले तो हमने चेक किया कि जी यहाँ इस ग्राफ से इस ग्राफ से ये जो आपका कर्व है एक सेक्सिस को कितने पॉइंट पे कट किया कहाँ कहाँ कट किया ये हमने देखा जहां जहां कट किया बच्चों एक को बोल दिया जी हमारा ये अल्फा का वैल्यू है यानी फर्स्ट जीरो दूसरे को बोल दिया कि ये हमारा बीटा है जो कि सेकेंड जीरो है करेक्ट बहुत बढ़िया इसके बाद हमने क्या किया कि हमसे पूछा गया यहाँ पे कि जी आप पोलिनोमियल को डेवलप कर दो यानी जो इक्वेशन था ना इसका यानी जो पोलिनोमियल था वो एक्चुअली में क्या था तो हमने हमें पता है कि पोलिनिमल को डेवलप कैसे करते हैं तो हमारे पास दो तरीका होता है जब ये जो जीरोज हैं यदि नॉर्मल नंबर में है फ्रैक्शन में नहीं है तो हम क्या करते हैं हम ये यूज कर लेते हैं और बच्चों यदि वो जीरोज फ्रैक्शन में है तो हम यहाँ पे के लगा देते हैं और फिर सॉल्व करते हैं और ये के का वैल्यू वही होता है बच्चों जो आपके डिनोमिनेटर में यहाँ पे रिजल्ट आता है करेक्ट तो ये के एंड फोर कैंसिल हो जाता है तो ये जो बचता है वही हमारा पोलिनोम है बट इसके बाद भी हमारा एंसर मैच नहीं कर रहा था राइट right? तो हमने क्या किया कि हमने इसमें से माइनस को कॉमन किया किया इक्वेट जीरो से और माइनस को आरचे में भेज के खत्म कर दिया राइट परफेक्ट अंडरस्टूड एवरी वन कंफर्टेबल परफेक्ट ठीक है फाइन सो बच्चों क्वेश्चन नंबर टू भी हमने इस तरीके से कर लिया आइए अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर थ्री क्या दे रखा है इन्होंने वॉट विल बी द वैल्यू ऑफ द पोलिनोम रिप्रेजेंटेड बाई द ग्राफ वेन एक्स इज इक्वल टू थ्री अब तो फिर बच्चों का खेल है देखिए ये जो ग्राफ है आपका एक्स इज इक्वल टू यदि थ्री हो जाए क्या बोला इन्होंने कि एक सज इक्वल टू बच्चों थ्री हो जाए तो इसका वैल्यू क्या होगा ये हमसे पूछ रहे हैं एक काम करते हैं x के प्लेस पे थ्री लिख देते हैं आप या तो ये यूज कर लीजिए या फिर आप ये यूज कर लीजिए दोनों में से कोई भी यूज करिए चलिए पहले मैं ये यूज करता हूँ ठीक है तो देखिए क्या पूछा जा रहा है कि पोलिनोमियल का वैल्यू पूछा जा रहा है एट एक्स इज इक्वल टू थ्री पे तो एक बार पोलिनोमियल लिख लीजिए पहले तो पी एफ एक्स इज इक्वल टू दोनों में से कोई भी लिखे या तो ये लिख लीजिए या फिर ये लिख लीजिए आपके ऊपर है चलिए मैं इसे लेता हूँ फोर एक्स स्क्वायर फोर एक्स स्क्वायर प्लस ट्वेल्व एक्स माइनस सेवन ठीक है जी फोर एक्स स्क्वायर प्लस ट्वेल्व एक्स माइनस सेवन ये हमारा पोलिनोमियल है अब हमें निकालना क्या है कि इस पोलिनोमियल का वैल्यू निकालना है जब एक्स इज इक्वल टू थ्री हो तो हमने क्या किया बच्चों एक्स के प्लेस पे थ्री रख दिया तो फोर मल्टीप्लाइड बाई थ्री एक्स स्क्वायर प्लस ट्वेल्व थ्री माइनस सेवन तो बच्चों फोर अब थ्री से स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा नाइन प्लस ये कितना हो जाएगा ट्वेल्व इंटू थ्री थर्टी सिक्स माइनस सेवन ये कितना हो जाएगा बच्चों बताइए नाइन फोर जा थर्टी सिक्स देख लीजिए थर्टी सिक्स माइनस सेवन थर्टी सिक्स प्लस थर्टी सिक्स थर्टी सिक्स प्लस थर्टी सिक्स बच्चों सेवेंटी टू सेवेंटी टू माइनस सेवन सेवेंटी टू माइनस सेवन कितना होगा चलिए देखिए यहाँ से टू हटा दीजिए ये फाइव हट जाएगा बच्चों ये हो जाएगा सिक्सटी फाइव अब क्या देखिए चेक करिए कि क्या ये सिक्सटी फाइव आंसर दे रहा है या फिर आंसर इस पोलिनोमियल के अकॉर्डिंगली दे रहा है चेक करते हैं सिक्सटी फाइव सिक्सटी फाइव ये ऑप्शन है देख लीजिए ऑप्शन ए क्लियर है ये पार्ट अंडरस्टूड एवरी वन एनी डाउट वेरी गुड अब चलते हैं जरा सा पार्ट फोर में इसके इफ अल्फा एंड बीटा इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ दिस पोलिनोम देखिये ये कहानी पूछ दिया ना अल्फा पावर फोर प्लस बीटा पावर फोर की कहानी पूछ दी इसे कैसे करें तो देखिए सबसे पहला काम ये करना होगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस प्लस टू एक्स माइनस एट दे रखा है और पूछ रहा है कि अल्फा पावर फोर प्लस बीटा पावर फोर क्या होगा ये कहानी पूछी जा रही है काम करता है इसे मैं इरेज कर देता हूँ आप आई होप कि आपने नोट कर लिया होगा यदि नहीं तो जल्दी से नोट कर लीजिए मैं इन सबको इरेज करता हूँ देखते जाइए इन सबको पूरे को इरेज करिए क्लियर हाँ ठीक है और राइट अब देखिएगा जो भी इन्होंने पोलिनोमियल दे, दे, दे रखा है एज इट इज नोट करिए क्या दे रखा है बच्चो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वाइनस एट ये पोलिनोम दे रखा है हमें ठीक है बहुत बढ़िया अब क्या करना है हमें हमें निकालना क्या है देखिए क्या पूछ रहे हैं ये ये पूछ रहे हैं बच्चों कि अल्फा पावर फोर प्लस बीटा पावर फोर का वैल्यू बता दीजिए हमें निकालना है अल्फा पावर फोर

प्रोडक्ट ऑफ द क्या होता है ये जीरो बच्चो सी बाई ए सम ऑफ द जीरो होता है और प्रोडक्ट ऑफ द जीरो सी बाई आप चेक कर लीजिएगा राइट right? अब देखिए अल्फा बीटा कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पे माइनस बी बाई ए तो माइनस टू और ये वैल्यू तो बच्चों वन है यानी हमें मिल गया सम कितना माइनस टू क्लियर है और बच्चों इसी तरीके से जो प्रोडक्ट है आपका ये क्या है सी बाई ए

तो यहां से यदि देखा जाए तो आप दो चीज़ें कर सकते हैं एक तो कि अल्फ़ा स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होल स्क्वायर कर दीजिए राइट और फिर उस पर ब्रेक करिए और दूसरा तरीका यह है कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज्क्वल टू तो माइनस टू है ना आप अल्फ़ा माइनस बीटा का एक इक्वेशन निकाल दीजिए और फिर बन जाएगा आपका लीनियर इक्वेशन और बच्चों लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करके अल्फ़ा एंड बीटा का वैल्यू निकल जाएगा तो आइए देखते हैं जो जो इजिएस्ट अप्रोच है मैं उसके साथ चलूंगा आपके साथ देखिए एक बात बताइए ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों तो आप बोलेंगे जी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए भी होता है होता है कि नहीं यही होता है ना हाँ दूसरा एक बात और बताइए ए माइनस बी होली स्क्वायर क्या होता है बच्चों ए माइनस बी होली स्क्वायर क्या होता है तो आप बोलेंगे जी ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू बी होता है करेक्ट ए माइनस बी होली स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए भी होता है ठीक है अब देखिएगा हमारे पास है क्या अल्फा प्लस बीटा है हमारे पास अल्फा प्लस बीटा है करेक्ट यहां से यदि देखा जाए ऊपर वाले इक्वेशन को ध्यान दीजिए इसको और फिर नीचे वाले इक्वेशन को देखिए एक काम करते हैं इसे इक्वेशन वन बोल देते हैं बच्चों और इसे इक्वेशन टू बोल देते हैं ठीक है ठीके? एक काम करिए यहाँ पे आप ए माइनस बी कर दीजिए ए माइनस बी कर दीजिए देखिए कैसे यानी इक्वेशन वन में से टू को सब्ट्रैक्ट कराइए तो बच्चों क्या होगा ए प्लस बी होली स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होली स्क्वायर मिलेगा क्या आपको देख लीजिए इन दोनों को जो एल एच एस पार्ट है ना हमने उनको एल एच एस में रखा और जो आर एच एस पार्ट है देखिए ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर प्लस टू ए बी देख लीजिए प्लस टू ए बी अब माइनस का साइन लगाइए और ये नीचे वाला पार्ट लिखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी ब्रैकेट को ओपन करिए ये हो जाएगा बच्चों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी ब्रैकेट ओपन करिए बच्चों ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ये देखिए नेगेटिव है ये नेगेटिव है ये हो जाएगा आपका टू ए बी सो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट ए से ए स्क्वायर कट तो बच्चों देखिए टू ए बी यहाँ पे और टू ए बी यहाँ पे दोनों प्लस में है तो ये हो जाएगा आपका कितना फोर ए बी क्लियर ये पार्ट तो बच्चों फोर ए बी मिला और यहाँ पे क्या है ए प्लस बी होली स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होली स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए ये भी आपको पढ़ाया जाता है एलजेब्रा में ये बच्चों एक आइडेंटिटी बोल के रट्टा मरवा दिया जाता है कि आप क्या करिए ए प्लस बी होली स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होली स्क्वायर क्या होता है फोर टाइम्स ऑफ ए इंटू बी ये एलजेब्रा में बच्चों एक ये आइडेंटिटी होती है और नॉर्मली टीचर रिकमेंड करता है कि आप इसे याद कर लीजिए ठीक है क्योंकि आपको ये सारे स्टेप्स करने की अब जरूरत नहीं पड़ेगी सब्ट्रैक्शन वगैरह वगैरह करने की कोई ज़रूरत नहीं है एवरी टाइम तो हम क्या करेंगे देखिए हमारा यहाँ पे यदि ए के प्लेस पे बच्चों अल्फ़ा रख दिया जाए और बी के प्लेस पे यदि बीटा रख दिया जाए तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा सोच के देखिए आप चलिए यहीं पर करता हूँ मैं इन सबको मैं इरेज कर दूंगा ठीक है हमें सिर्फ काम की ये चीज़ें हैं ये वाला हमारे काम का है बाकी तो आपको मैंने जस्ट दिखाया है ये हमें करके दिखाना नहीं है एग्जाम पर राइट right? ये तो आइडेंटिटीज़ है एलजेब्रा एलजेब आइडेंटिटीज़ हैं तो इन्हें मैं इरेज करता हूँ इस पार्ट को ठीक है इस पार्ट को भी इरेज करता हूँ और सिर्फ जो बॉक्स वाला पार्ट है उसे रखूंगा इसे मैंने रख लिया है अब ध्यान दीजिए इसी के बेस पे बच्चों ए के प्लेस पे मैं अल्फ़ा रखने वाला हूँ और बी के प्लेस पे बीटा रखने वाला हूँ देखिएगा तो क्या बन जाएगा यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच बच्चों फोर ए बी तो फोर ए के प्लेस पे हमने अल्फा रख दिया और बी के प्लेस पे बीटा रख दिया तो दिस इज गोइंग तो टू बी बच्चों अल्फा बीटा क्लियर है ये पार्ट अब अब इसकी भी जरूरत नहीं है अपने को खत्म देखिए अल्फा प्लस बीटा बच्चों कितना दे रखा है इन्होंने माइनस टू इनके प्लेस पे माइनस टू रख दिया हमने माइनस अल्फा माइनस बीटा तो बच्चों हमें पता ही नहीं है ना हमें नहीं पता अल्फा माइनस बीटा अब देखिए फोर अल्फा इंटू बीटा दे रखा इन्होंने येस yes. कितना दे रखा है बच्चों कर दिया अब देखिए क्या होगा फोर फोर हो जाएगा येस yes. और ये माइनस का साइन एज इट इज रहने दीजिए अल्फा माइनस बीटा होली स्क्वायर और बच्चों ये क्या हो जाएगा चेक कर लीजिए फोर एट जा थर्टी टू विथ निगेटिव साइन तो माइनस थर्टी टू एक काम करिए इस अल्फा माइनस बीटा होली स्क्वायर को उस साइड भेजिए तो बच्चों ये साइन है इधर जाके क्या बन जाएगा अल्फा माइनस बीटा होली स्क्वायर विध पॉजिटिव साइन और ये माइनस थर्टी टू को इधर ला दीजिए ये माइनस थर्टी टू जब एल एच एस में आएगा तो जाएगा प्लस थर्टी टू तो थर्टी टू प्लस फोर कितना थर्टी सिक्स देख लीजिए इस थर्टी टू को इधर लाइए पहले से फोर है और इस माइनस थर्टी टू को इधर लाइएगा तो बच्चों ये हो जाएगा प्लस थर्टी टू फोर प्लस थर्टी टू इज हाउ मच थर्टी सिक्स तो हियर वी गॉट अल्फा माइनस बीटा होली स्क्वायर इज इक्वल टू थर्टी सिक्स या फिर इस पूरे इस चीज को क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ बच्चों अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू तो हाउ मच थर्टी सिक्स अब ये यह हाँ यहाँ स्क्वायर है इस स्क्वायर को उधर शिफ्ट करिए ट्रांसफ़र करिए तो बच्चों क्या ये रूट थर्टी सिक्स हो जाएगा और यहाँ पे आपको मिल जाएगा अल्फा माइनस बीटा अब देखिए अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू सिक्स आप चाहते हैं तो प्लस माइनस भी लगा सकते थे अभी मैं ना अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू सिक्स लेकर चल रहा हूँ हम चाहें तो यहाँ पे प्लस माइनस भी लगा सकते हैं क्योंकि रूट से जब भी बाहर निकालते हैं ना तो यहाँ पे प्लस माइनस लगा देते हैं ठीक है चलिए तो इसे मैं कर देता हूँ इक्वेशन नंबर टू और बच्चों अल्फ़ा प्लस बीटा इसे इक्वेशन नंबर वन अब हमारे पास क्या है देख लीजिए हमारे पास गाड़ी है बंगला है सब कुछ है क्या नहीं है आपके पास क्या है अरे बच्चों हमारे पास दो इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन है अल्फ़ा बीटा को बड़ी आसानी से सॉल्व कर लेगी है ना यहाँ ठीक है कमाऊन चलिए अल्फा प्लस बीटा कितना है बच्चों माइनस टू इक्वेशन नंबर वन यहाँ से ना आप प्लस सिक्स ले लो माइनस सिक्स ले लो दो 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 इक्वेशन मिल जाएंगे दो दो वैल्यूज मिलेंगे एक काम करते हैं पहले प्लस सिक्स ले लेते हैं अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू प्लस सिक्स इक्वेशन नंबर टू बच्चों देख लीजिए लीनियर इक्वेशन है क्या करना है अल्फा बीटा का वैल्यू निकालना है क्या यूज करेंगे आप तीन मेथड आपके पास है कौन सा बताइए पहला मेथड है आपका एलिमिनेशन मेथड दूसरा बच्चों दूसरा जो है आपका सबसे ट्यूशन मेथड और तीसरा है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड कौन सा यूज करना चाहिए आपको यस एलिमिनेशन मेथड मैं भी एलिमिनेशन ही यूज करूंगा बच्चों देखिए हमने क्या किया कि इस बीटा से बीटा को काट दिया देख लीजिए प्लस है ये माइनस है हम ऐड कर रहे हैं ना तो अल्फा और अल्फा बच्चों टू अल्फा और देखिए माइनस टू प्लस कितना फोर तो अल्फा इज इक्वल टू फोर में डिवाइड कर दीजिए मिल जाएगा आपको ये टू को उधर भेजिए तो फोर डिवाइडेड बाई टू दैट विल गिव यू टू यानी अल्फा का वैल्यू हमें बच्चों टू मिल गया अल्फा का वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रख दीजिए या तो यहाँ या फिर यहाँ तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऑन पुटिंग ऑन पुटिंग अल्फा इज इक्वल टू टू वेयर इन इक्वेशन वन किसी में रख लीजिए वन में टू में हमें फर्क नहीं पड़ता है तो इससे क्या मिलेगा बच्चों हमें देखिए अल्फा के प्लेस पे हमने रख दिया जी टू और बीटा एज इट इज और यहाँ पे क्या है माइनस टू तो इस टू को उधर भेजिए इस टू को उधर भेजेंगे बच्चों तो यहाँ पे प्लस टू है उधर जाके क्या बन जाएगा माइनस टू और ऑलरेडी माइनस टू है तो दिस विल बिकम माइनस फोर यानी हमें बच्चों यहाँ से अल्फा का वैल्यू कितना मिला टू एंड बीटा का वैल्यू कितना मिला माइनस फोर मिला करेक्ट अब ध्यान दीजिएगा अल्फा इज इक्वल टू टू एंड बीटा इज इक्वल टू माइनस फोर और हमसे पूछा क्या जा रहा था अल्फ़ा पावर फोर प्लस बीटा पावर फोर ये पूछा जा रहा था तो देख लीजिए अल्फा के प्लेस पे टू है तो बच्चों अल्फा पावर फोर प्लस बीटा पावर फोर तो टू के पावर फोर कर दीजिए बच्चों और फिर क्या माइनस फोर रेज टू द पावर फोर कर दीजिए टू पावर फोर इज़ हाउ मच टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू फोर टाइम्स टू टू जा फोर फोर टू जाट एट टू जा सिक्सटीन तो बच्चों ये हो जाएगा आपका सिक्सटीन और ध्यान दीजिएगा पावर इवेन है या ऑर्ड है फोर तो बच्चों इवेन नंबर होता है तो जब कभी भी ना ब्रैकेट के अंदर में निगेटिव नंबर हो और पावर उसका इवेन हो तो बच्चों नेगेटिव गायब हो जाता है ठीक है निगेटिव गायब हो जाता है जैसे वैसे ही होता है ना कि आप किसी क्या बोलते हैं किसी एक अच्छे इंसान के कंटैक्ट में आ जाते हैं राइट तो आपके अंदर जो कुछ निगेटिविटी होती है ना वो भी गायब हो जाता है इसी तरीके से ये आपका इवेन पावर काम करता है कि इसके अंदर कुछ निगेटिव चीज़ें थी ब्रैकेट के अंदर बट इसका पावर क्या है इवन है तो ये निगेटिव गायब हो जाता है बच्चों फोर इंटू फोर इंटू फोर इंटू फोर फोर टाइम्स फोर फोर जा सिक्सटीन सिक्सटीन फोर जा सिक्सटी फोर और बच्चों सिक्सटी फोर मल्टीप्लाइड बाई फोर टू फिफ्टी सिक्स तो ये हो जाएगा आपका टू फिफ्टी सिक्स तो बच्चों टू फिफ्टी सिक्स प्लस सिक्सटीन ऐड कर दीजिए सिक्स प्लस सिक्स ट्वेल्व टू बोनस वन फाइव प्लस वन सिक्स सिक्स प्लस वन सेवन कितना आ गया बच्चों टू सेवेंटी टू चेक कर लीजिए आप सिक्स प्लस सिक्स टूल्व टू बोनस वन फाइव प्लस वन सिक्स सिक्स प्लस वन सेवन एंड टू टू सेवेंटी टू यानी बच्चों हमने इक्वेशन वन एंड टू को सॉल्व किया तो अल्फ़ा पावर फोर प्लस वीटा पावर फोर कितना मिल रहा है टू सेवेंटी टू अब जरा सा ऑप्शन को देखिए अच्छा कोई ऑप्शन नहीं है कोई ऑप्शन नहीं है बच्चों क्यों यहाँ पे क्यों डिफरेंस आ रहा है क्योंकि बच्चों देखिए हमने प्लस के साथ लेके सॉल्व किया है प्लस के साथ लेके सॉल्व किया और यहाँ पे क्या है माइनस भी है राइट अब एक काम करते हैं अब हम अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू माइनस सिक्स को लेके सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या मिलने वाला आपने को अब देखिए अब इतना कुछ करने के बाद यार आंसर नहीं मिल रहा है दुख तो हो रहा है राइट तो कुछ नहीं कर सकते अब देखिए क्योंकि आप ये पहली बार कर रहे हैं इसलिए इतना टाइम लगा और मैं जान बुझ के इसे स्लोली स्लोली करा रहा हूँ एक एक चीज आपको बता रहा हूं कि क्या हो सकता है क्या पॉसिबिलिटी मिल सकती है आपको राइट सो यू शुड नो कि कहां पे आप स्टक हो सकते हैं आइए देखिए तो अब हमने क्या किया अब आप निगेटिव साइन लेके सॉल्व करेंगे इसे तो एक काम करिए इसे नोट कर लीजिए पहले आप यहां से मैं इसे इसे इरेज 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 करता करता हूं हूं इस पार्ट पार्ट को ये कर दूंगा चलिए इसकी जरूरत नहीं है आप तो हमने क्या किया बच्चों कि एक इक्वेशन एक है हमारे पास अल्फा प्लस बीटा दैट इज हाउ मच अल्फा प्लस बीटा दैट इज माइनस टू इक्वेशन वन था और बच्चों अल्फा माइनस बीटा ये क्या हो जाएगा माइनस सिक्स अल्फा माइनस बीटा देर इज गोइंग टू बी माइनस सिक्स टू अल्फा माइनस इज़ माइनस सिक्स करेंगे अब जब ऐड करेंगे तो ये बीटा तो अल्फा प्लस अल्फा टू अल्फा और बच्चों क्या हो जाएगा माइनस टू माइनस सिक्स माइनस एट अल्फा इज इक्वल टू हाउ मच अल्फा इज इक्वल टू माइनस फोर अल्फा इज इक्वल टू माइनस फोर और बच्चों इस माइनस फोर को उठा के कहाँ डाल दीजिए इस माइनस फोर को उठा के आप डाल दीजिए इक्वेशन वन में या टू में इक्वेशन वन में डालिए चलिए इस इक्वेशन वन में डालेंगे आप ये हो जाएगा माइनस फोर प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस टू बच्चों इसको उधर भेजिए बीटा इज इक्वल टू हाउ मच इसको उधर भेजिए देखिए क्या मिल रहा है आपको तो ये हो गया माइनस टू प्लस फोर माइनस टू प्लस फोर कितना टू बीटा इज इक्वल टू हाउ मच बीटा इज इक्वल टू आपको मिल गया बच्चों टू अच्छा यहाँ पे देखिए बीटा इज इक्वल टू माइनस फोर था यहाँ पे अल्फ़ा इज इक्वल टू टू था करेक्ट आंसर तो मिलना चाहिए था क्यों नहीं मिला देख लीजिए अब यहाँ पे डिफरेंस क्या आ रहा है अल्फ़ा के प्लेस पे आपको माइनस फोर मिला है और बच्चों बीटा के प्लेस पे टू मिला हुआ है बात तो एक ही है क्योंकि हमें यहाँ पे निकालना क्या है देख लीजिए हमें निकालना है बच्चों अल्फा पावर फोर प्लस बीटा पावर फोर तो अल्फ़ा के प्लेस पे यदि लेट से आपने माइनस फोर रख दिया और इसका पावर फोर कर दिया और बीटा के प्लेस पे बच्चों क्या रख दिया टू रख दिया टू रख दिया और इसका पावर फोर कर दिया तो देखिए माइनस फोर पावर फोर करेंगे तो क्या मिलेगा फोर फोर जा सिक्सटीन सिक्सटीन फोर जा सिक्सटी फोर एंड सिक्सटी फोर फोर जा टू फिफ्टी सिक्स राइट तो आपको मिलेगा वही टू फिफ्टी सिक्स और बच्चों फिर टू पावर फोर करेंगे तो टू टू जा फोर फोर टू जाट एट टू जा सिक्सटीन तो ये हो गया सिक्सटीन तो बच्चों टू बोनस ठीक है फाइव प्लस वन सेवन और ये क्या टू टू सेवनटी टू आ रहा है देख रहे हैं तो इसका मतलब क्या चाहे प्लस के साथ लेके सॉल्व करें या फिर माइनस के साथ लेके सॉल्व करें अल्फा बीटा का वैल्यू तो सेम ही आ रहा है और ऑप्शंस में तो हमारे पास टू सेवेंटी टू कोई है ही नहीं तो क्या ऑप्शंस गलत है न, 256, 252. ये ये लग रहा है ना कि ये पार्ट सी ये कुछ गड़बड़ लग रहा है पार्ट सी आपका ये होना चाहिए था बच्चों टू सेवेंटी टू ठीक है एनी वे anyway, इसे हम क्रॉस वेरीफाई कर लेंगे बट आइए चलिए हम इस पॉइंट पे डिस्कस करना चाह रहे हैं आपसे कि देखिए यहाँ पे आप प्लस सिक्स ले लीजिए या फिर माइनस सिक्स ले लीजिए जब आप इनको सॉल्व करते हैं ना तो अल्फ़ा एंड बीटा का वैल्यू जिस रिवर्स हो जाएगा जो अल्फा का वैल्यू आ रहा था वो बीटा बन जाएगा और जो बीटा का वैल्यू आ रहा था बच्चों वो, वो अल्फा बन जाएगा अल्टीमेटली जब आप अल्फा पावर फोर प्लस बीटा पावर फोर निकालेंगे तो फाइनल रिजल्ट में कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा क्लियर हुआ ये पार्ट तो एक बार मैं एक काम करूंगा इसे ना वेरीफाई कर लेंगे कि यह क्या दे रखा है ये वाला पार्ट पार्ट सी क्योंकि देखिए आंसर आपको टू सेवेंटी टू ही मिलेगा राइट बट फिर भी हम एक बार इसे वेरीफाई कर लेंगे कि क्या है राइट right? और इसे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्लैरिफाई भी कर दूंगा कि टू सेवेंटी टू था या नहीं था यदि तो गलत है राइट right? ठीक है तो अभी फिलहाल के लिए हम इसे इस छोड़ देते हैं आप इसे, है इसे। क्या दे रखा इन्होंने फाइंडिकोमल वेयर सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट जीरो देखिए हम चलिए आई होप कि आपने इसे नोट कर लिया है आ, आ, नहीं नहीं इतना मैं अरेज नहीं, नहीं करूँगा सिर्फ इस पार्ट को हटाता हूँ बच्चों काफी है चलिए अब देखिए ये क्या दे रखा है इन्होंने इन्होंने बोल रखा है कि एक हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालना है ठीक है तो बच्चों क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालने के लिए हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है हमारे पास होता है बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा टाइम्स ऑफ एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा यही होता है ना यस yes. क्या बोल रखा है इन्होंने इन्होंने बोल रखा है यहाँ पे कि जी इनका सम जो सम है वो जीरो है और जो प्रोडक्ट है बच्चों रूट सेवन है यानी इन्होंने दे रखा है अल्फा प्लस बीटा दैट इज जीरो और बच्चों अल्फा इंटू बीटा दैट इज रूट सेवन ये चीजें दे रखा है तो देख लीजिए पी ऑफ एक्स दैट इज गोइंग टू बी एक्स स्क्वायर माइनस सम कितना है बच्चों जीरो तो जीरो टाइम्स एक्स और बच्चों प्लस प्रोडक्ट कितना है जी रूट सेवन हमारा तो पोलिनोमियल क्या होगा एक्स स्क्वायर ये क्या है जीरो हो जाएगा तो जीरो लिखने की जरूरत नहीं है प्लस रूट सेवन दिस इज द पोलिनोम दैट वी विल बी गेटिंग विच ऑप्शन बच्चों अब देखिए यहाँ पे इन्होंने के लगा रखा हुआ है एक काम करिए आप यहाँ पे के लगा दीजिए के टाइम्स ऑफ के टाइम्स ऑफ तो क्या बन जाएगा ये टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस रूट सेवन टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस रूट सेवन विच ऑप्शन ऑप्शन ए चेक कर लीजिए क्लियर है चलिए तो इस तरीके से सी द इज क्वेश्चन कोई बड़ा हो सकता है छोटा हो सकता है उससे फर्क फर्क नहीं पड़ना चाहिए हमें हमारे पास बच्चों जो कंसेप्ट है उनकी क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है राइट जैसे आपने देखा कि ये पार्ट को करने में हमें काफ़ी टाइम लगा है राइट right? बट इसका अप्रोच क्या है इसका एक और अप्रोच हो सकता है तो एनी वे ऑल राइट हमने इसके सारे के सारे क्वेश्चन कर लिए हैं एंड बच्चों फिर हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में अगले केस स्टडी में और वहाँ पे भी मेरी कोशिश ये रहेगी कुछ आपको नए कंसेप्ट भी सिखाऊं और फिर सारे के सारे क्वेश्चंस हम करें वहाँ पे तो बच्चों इसी तरीके से आप पढ़ाई करते रहें ऑल द वेरी बेस्ट विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो टिल देन बाय टेक केयर